हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज यानी कि अनुक्रम तथा श्रेणी डिस्कस करेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज 9.1 है और ये हमारा पार्ट फर्स्ट है इस चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। बच्चों, सबसे पहले जो हमारा चैप्टर नेम होता है हमें पता होना चाहिए उसका मतलब क्या होता है। सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम, एंड और सीरीज मतलब श्रेणी। ठीक है, तो अनुक्रम क्या होता है? अनुक्रम का मतलब अनु से बच्चों समझ में आ रहा होगा, एक के पीछे एक। ठीक है, क्रम का मतलब सीक्वेंस में यानी कि एक के पीछे एक, किस निश्चित क्रम में चल रहा है वो होता है अनुक्रम। ठीक है, किसी चीज़ का अनुसरण करना। ठीक है, यानी कि संख्याओं या पदों का ऐसा क्रम जिसमें इनके बीच में एक निश्चित संबंध स्थापित हो वो अनुक्रम कहलाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 डिजिट लिख रही हूँ। ठीक है, अब मैं चेक करूँ कि भाई 1 के बाद मैंने 2 ही क्यों लिया, क्योंकि 2 और 1 के बीच में डिफरेंस 1 आ रहा है, 3 और 2 के बीच में डिफरेंस 1 आ रहा है, यानी कि इन सब के बीच में डिफरेंस 1 आ रहा है। अगर मुझसे कोई कहेगा कि नेक्स्ट वाला पद निकालो, तो मैं ऑफकोर्स 5 में 1 ऐड कर दूँगी और वो निकाल लूँगी 6। तो यानी कि ये जो सीरीज़ है, ये जो पद हैं, वो अनुसरण कर रहे हैं एक दूसरे का, एक एक का अंतर आ रहा है, तो यानी कि वो अनुसरण कर रहे हैं एक दूसरे का। तो इट मीन्स ये क्या होता है जब एक दूसरे का अनुसरण किया जाता है, तो वो कहलाता है अनुक्रम। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल और दे देती हूँ मैं, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो बच्चों, इनमें 2-2 का गैप है। कितने का गैप है? 2-2 का, यानी कि ये जो हमारे पास श्रेणी बनी हुई है, ये जो अनुक्रम बना हुआ है, इसमें 2-2 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसीलिए ये अनुक्रम कहलाएगा, क्योंकि ये अनुसरण कर रहा है एक निश्चित क्रम का, है ना, एक निश्चित ऑर्डर का अनुसरण कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर एक एग्जांपल और है, 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि इनके बीच में भी 2-2 का डिफरेंस है। और मैं अगर आगे वाला टर्म चेक करूँ कि आगे वाली टर्म क्या आएगी, तो 9 में 2 को ऐड कर दूँगी, 11 आ जाएगा। इट मींस ये जो हमारे पास ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर चल रहा है, ये इसमें 2-2 का डिफरेंस है, ये एक निश्चित क्रम है, तो इसीलिए ये अनुक्रम कहलाता है। अब बच्चों आते हैं श्रेणी क्या होती है। अनुक्रम तो हो गया, एक के बाद एक डिजिट का अनुसरण करना, वो कहलाते हैं हमारा अनुक्रम। श्रेणी क्या होती है? श्रेणी होती है 2 या 2 से अधिक अनुक्रमों का योगफल। तो जैसे कि अनुक्रम बच्चों आपके पास A1, A2, A3, A4 ये अनुक्रम आ गए। ठीक है, तो अब इनका योगफल आपके पास सीरीज़ कहलाता है। सीरीज़ को ऐसे डिनोट कर रहे हैं हम, वैसे सिग्मा से भी डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा A1+A2+A3+A4, ये लास्ट तक भी हो सकता है --। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास क्या बन जाता है? श्रेणी बन जाती है, जिसमें हम 2 या 2 से अधिक अनुक्रमों का योगफल क्या कहलाता है? श्रेणी कहलाता है। एग्जांपल यहाँ पे nth टर्म तक लिया है अनुक्रम, यानी कि हमारे n होंगे इसमें, और उनका योगफल क्या कहलाएगा? श्रेणी कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अनुक्रम और श्रेणियाँ क्या होती हैं। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें कहा है निम्नलिखित अनुक्रमों में प्रत्येक के 5 पद लिखिए। 5 पद लिखने हैं आपको। तो पहले गिवन है आपको, अनुक्रम दे रखा है An=NN+2, ये गिवन है बच्चों। 5 पद लिखने हैं। 5 का मतलब हो गया कि एन की वैल्यू आपको 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 डिजिट्स में से रखनी है, सारी रखनी है, क्योंकि 5 रखनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर an गिवन है आपको, NN+2, इसमें आप 1 पुट करके देखेंगे, यानी कि n के प्लेस पे आप क्या पुट कर रहे हैं? 1 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर n है, ये भी 1 हो जाएगा, +2, तो 1 1+2 3 हो जाएगा, इट मींस 3, यानी कि फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई है 3। ओके, अब चलिए सेकंड टर्म फाइंड करते हैं। सिमिलर पोर्शन आपको बच्चों इसमें करना है, सिमिलर पोर्शन करना है, यानी कि अब n के प्लेस पे हमें 2 पुट करना है, A2 हमें पुट करना है, तो n के प्लेस पे 2 रख दिया, यहाँ पे भी 2+2, इट मींस 2+2 करेंगे कितना हो जाएगा? 4, 2, 4 = 8, यानी कि A2 सेकेंड टर्म आपके पास 4 आ जाएगी। सिमिलरली अगर आपको A3 फाइंड करना है, तो n के प्लेस पे आप 3 पुट कर देंगे, 3+2 = 5, 5 = 15, 15 आ जाएगा। इसी तरह से आप A4 फाइंड करेंगे, A4
फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, यानी कि आपको ए फोर फाइंड करना है, एन के प्लेस पे फोर रखना है आपको, ए एन गिवन था एन एन प्लस टू, ठीक है। यहाँ पर आपने एन के प्लेस पर फोर पुट कर दिया तो यहाँ पर भी एन के प्लेस पे फोर होगा, फोर प्लस टू। अब फोर प्लस टू तो सिक्स होते हैं ना, तो फोर सिक्स या 24 है ना, तो इट मीन्स हमारे पास फोर्थ टर्म 24 आ जाएगी। सिमिलरली हम ए फाइव फाइंड कर सकते हैं, ए फाइव इट मीन्स एन के प्लेस पर अब हमें क्या रखना है, एन प्लस टू में एन के प्लेस पे हमें फाइव पुट करना है, तो फाइव प्लस टू हमारे पास सेवन हो जाएंगे, एंड सेवन फाइव इज 35, इट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 विल बी आर आंसर। तो हमारे पास पाँच पद हमें फाइंड करने थे, तो पाँच पद हो जाएंगे 3, 8, 15, 24 and 35। आई होप इट्स क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए एन इक्वल्स टू 2n आपको गिवन है। इसमें भी आपको फाइव डिजिट्स फाइंड करनी है, फाइव टर्म्स फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, n की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5 इसमें पुट करेंगे। बच्चों ए एन इक्वल्स टू 2n है, इट मीन्स यहाँ पर n के प्लेस पे आप 1 रखेंगे। क्या रखेंगे n के प्लेस पर, ये वैल्यूज आपको पुट करनी है। तो फर्स्ट वैल्यू हम यहाँ पर 1 पुट कर रहे हैं, जो कि हमारी फर्स्ट टर्म होगी, तो 2, एंड ऊपर की साइड लिखा है पावर में लिखा है, तो 1 भी पावर में ही लिखा जाएगा, 2 की पावर 1, यानी कि 2 को 1 टाइम खोलेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। सिमिलरली अगर मैं ए 2 फाइंड करूँ, यानी कि अब मुझे n के प्लेस पे 2 पुट करना है, तो 2 की ये बच्चों पावर में है, तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 की 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो 2 2 4 हो जाएंगे, इट मीन्स सेकेंड टर्म आपके पास आ गए इसमें 4। इसी टाइप से आप इसमें थर्ड टर्म फाइंड करेंगे, एंड के प्लेस पे आप इसमें 3 पुट कर देंगे। 2 की पावर 3 का मीन क्या होता है कि हमें 2 को 3 टाइम्स लिखना है और इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 2 2 4 2 8, तो 8 विल बी आर आंसर। इट इज़ आर थर्ड टर्म है ये हमारी। तो चलिए अब से हम ए फोर जल्दी से फाइंड कर लेते हैं, इट मीन्स हम एन के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं, 4 मीन्स हमें इसे 4 टाइम लिखना है, तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो 16 विल बी आर आंसर। दिस इज़ अर फोर्थ टर्म, ठीक है, ये फोर्थ टर्म है। अब हमें फिफ्थ टर्म और फाइंड करनी है, इसके लिए हमें अब 5 फुट करना होगा एन के प्लेस पे, तो 2 की पावर 5 हो गई, इट मीन्स 2 को 5 टाइम्स तक खोलना है, तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2, इट मीन्स 2 2 4 2 8 2 16 2 32, तो 32 विल बी आर आंसर। आई होप इट्स क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ए एन इक्वल्स टू -1 की पावर n-1 गिवन है, और 5n+1, यानी कि -1 की पावर n-1 है, 5 की पावर n+1 गिवन है आपको, और अब इसमें आपको 5 टर्म्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे, फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं, n के प्लेस पे 1 पुट करके, है ना, तो सिमिलरली हम इसमें वही करेंगे, तो n के प्लेस पे 1 पुट कर देते हैं जल्दी से। ए एन हमें गिवन था -1 की पावर n-5 और 5 की पावर n+1। अगर आप इसमें n के प्लेस पे 1 पुट कर रहे हैं, तो इट मीन्स हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी -1 की पावर n1-1 हो जाएगा, 5 की पावर n1+1, इट मीन्स -1 की पावर 0 और 5 की पावर 2, 1+1 2 हो गए। अब -1 की पावर 0 बच्चों क्या होता है, 1 ही होता है ना, और 5 की 2 टाइम 5 की पावर 2 है, इट मीन्स 5 की 2 टाइम मल्टीप्लाई होगी, तो 5 5 से 25, 1 की 25 में 25 विल बी योर आंसर, एंड इट्स योर फर्स्ट टर्म। तो इस टाइप से आप करेंगे, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म कैसे फाइंड करेंगे, एन के प्लेस पे अब हमें 2 पुट करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। -1 की पावर n+1 थी तो हमने यहाँ पर n के प्लेस पे 2 रख दिया, 2 -1 हो गई। फिर 5 की पावर n+1 थी तो 2+1 हो जाएगा, -1 की पावर 1 हो गई और 5 की पावर 3 हो गई। -1 की पावर 1 का मतलब है बच्चों की -1 की 1 टाइम मल्टीप्लाई, तो -1 ही आता है, 5 की 3 टाइम मल्टीप्लाई, 5 into 5 into 5, तो 5 5 से 25 25 5 से 125 125 के 1 में करेंगे 125, इट मीन्स -125 विल बी योर सेकेंड टर्म। ओके, सो लेट्स स्टार्ट थर्ड टर्म, इट मीन्स अब हमें -1 की पावर n-1 गिवन था और 5 की पावर n+1 गिवन था, इसमें n के प्लेस पे हम 3 पुट कर रहे हैं,
तो चलिए कर देते हैं, माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन और फाइव की पावर थ्री प्लस वन, तो ये माइनस वन की पावर टू हो जाएगी और फाइव की पावर थ्री प्लस वन कितना हो गया फोर। ठीक है, तो माइनस वन की पावर टू यानी कि माइनस वन की दो बार मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों क्या आता है, प्लस वन ही आता है ना, और फाइव की फोर टाइम करनी है, फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव। तो अब देखिए, फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव फाइव ज़ा वन ट्वेंटी फाइव और वन ट्वेंटी फाइव फाइव ज़ा सिक्स टू फाइव, तो सिक्स ट्वेंटी फाइव हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपकी थर्ड टर्म होगी। फोर्थ टर्म आपको फाइंड करनी है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एन के प्लेस पे फोर्थ पुट करना पड़ेगा। तो फोर पुट कर देते हैं, माइनस वन की पावर फोर माइनस वन और फाइव की पावर फोर प्लस वन, तो ये फाइव हो जाएगी इस टाइप से। तो माइनस वन की को अगर हम थ्री टाइम्स खोलेंगे, माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो इट मीन्स माइनस आएगा। ठीक है, फाइव को फाइव टाइम खोलेंगे तो थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव आएगा, इट मीन्स माइनस की मल्टीप्लाई होगी, ये माइनस थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव बन जाएगा, यही आपकी फोर्थ टर्म होगी। तो फिफ्थ टर्म फाइंड कर लेते हैं, माइनस वन की पावर इनके प्लेस पे हमने फाइव पुट कर दिया, तो माइनस वन की पावर फोर हो जाएगी ये और फाइव की पावर सिक्स हो जाएगी। माइनस वन की पावर जो है वो एक इवन टर्म आ रही है, यानी कि माइनस वन को अगर आप फोर टाइम खोलेंगे तो प्लस वन आएगा। आप इसमें डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं, माइनस वन की पावर अगर कोई इवन टर्म है तो हमेशा पॉजिटिव बनता है, और माइनस वन की पावर अगर कोई ऑड टर्म है तो हमेशा नेगेटिव बनता है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव है, फोर जो है वो हमारे पास इवन नंबर है, तो इसलिए माइनस वन की पावर फोर पॉजिटिव वन बनेगा। और फिर फाइव की पावर सिक्स है, यानी कि फाइव को सिक्स टाइम खोलना है, तो हमारे पास फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव आ जाएगा, जिसकी वन में मल्टीप्लाई करके फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ही रहेगा। इट मीन्स ये हमारी फिफ्थ टर्म हो जाएगी, और यही फाइव टर्म्स हमें फाइंड करनी थी, हमसे क्वेश्चन में यही कहा था। आई होप इट्स क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में हमें ए एन गिवन है, जो कि बनेगा फोर एन माइनस थ्री। इट मीन्स हमें इसमें फाइंड करना है ए सेवनटीन एंड ए ट्वेंटी फोर। ठीक है, यानी कि हम एन के प्लेस पे, बच्चों ए एन होता है और हमें फाइंड क्या करना है, ए सेवनटीन। अगर हम इसको कंपेयर करें तो एन कितना है हमारे पास, सेवनटीन। तो इट मीन्स हमें फर्स्ट केस में एन के प्लेस पे सेवनटीन पुट करना है, तो हमारे पास ए सेवनटीन की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। सो पुट कर देते हैं इसमें एन के प्लेस पे सेवनटीन, तो ए एन आपको गिवन था फोर एन माइनस थ्री। ठीक है, हमने यहाँ पे सेवनटीन पुट कर दिया, तो ये हो गया फोर मल्टीप्लाई सेवनटीन, बिकॉज इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन हुआ, माइनस थ्री। सेवनटीन फोर जो सिक्सटी एट माइनस थ्री, इट मीन्स इट विल बी सिक्सटी फाइव। ठीक है, तो ये आपके पास ये सेवनटीन हो जाएगा। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे ए ट्वेंटी फोर, तो ए ट्वेंटी फोर को अगर हम ए एन से कंपेयर करेंगे तो एन क्या आ रहा है हमारे पास, ट्वेंटी फोर आ रहा है, यानी कि हमें एन के प्लेस पे ट्वेंटी फोर पुट करना है इस बार, फोर इन माइनस थ्री। तो चलिए जल्दी से कर देते हैं, ए ट्वेंटी फोर, तो फोर इंटू एन के प्लेस पे ट्वेंटी फोर हो गया माइनस थ्री, ट्वेंटी फोर फोर से नाइन्टी सिक्स हो जाएंगे माइनस थ्री, जब नाइन्टी सिक्स में से थ्री को माइनस करेंगे तो नाइन्टी थ्री आ जाएगा, एंड नाइन्टी थ्री विल बी आर ए ट्वेंटी फोर्थ टर्म, तो ये हमारे पास ट्वेंटी फोर्थ टर्म आ जाएगी। आई होप इट्स क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर फाइव। इसने बच्चों आपसे कहा है ए एन आपको गिवन है एन एन स्क्वायर प्लस फाइव अपॉन फोर, यानी कि अब आपके पास ये टर्म है और आपको फाइव टर्म्स निकालनी है, तो कैसे करेंगे आप, पहले इसमें एन के प्लेस पे वन पुट करेंगे। पहले मैं आपको एक बार थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ, यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, वन पुट करेंगे, तो ए एन के प्लेस पे आपको वन रखना है, यहाँ पर भी एन के प्लेस पे वन, यहाँ पे वन का एन का स्क्वायर है, यानी कि वन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस फाइव अपॉन फोर। अब बच्चों स्टार्टिंग में तो वन लिखा है, वन की मल्टीप्लाई किसी भी टर्म में करेंगे वन ही रहेगा, तो वन का स्क्वायर वन की टू टाइम करेंगे वन रहेगा, वन प्लस फाइव बाई फोर, वन प्लस फाइव आपका सिक्स हो जाएगा, सिक्स बाई फोर। ये दोनों ही टर्म कैंसिल हो रही है एक नंबर से, यानी कि टू से, तो टू थ्री जा सिक्स और टू टू जा फोर, तो थ्री बाई टू विल बी आर फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी कितनी, थ्री बाई टू। अब हमें सेकेंड टर्म फाइंड करनी है, इट मीन्स एन के प्लेस पे हमें क्या पुट करना होगा, टू पुट करना होगा, तो टू ए टू इक्वल्स टू टू, ये टू स्क्वायर प्लस फाइव बाई फोर हो जाएगा, इट मीन्स टू, टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, फोर प्लस फाइव बाई फोर, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, ये कैंसिल हो गया, फाइव प्लस फोर नाइन बाई टू, इट मीन्स नाइन बाई टू विल बी आर सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म हमारे पास हो जाएगी नाइन बाय टू। ठीक है,
सिमिलरली फाइंड करेंगे हम इसकी थर्ड टर्म जो कि होगी एन की प्लेस पे हमें थ्री पुट करना है। तो बच्चों हमारे पास एंथ टर्म क्या गिवन थी, एन एन स्क्वायर प्लस फाइव अपॉन फोर ये गिवन थी। एन की प्लेस पे हम थ्री पुट कर रहे हैं, इट मीन्स थ्री थ्री स्क्वायर प्लस फाइव बाय फोर ये हो गया है ना। थ्री वन से थ्री से कैंसिल नहीं हो रही है, नीचे वाली टर्म तो नहीं करेंगे। थ्री का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, नाइन प्लस फाइव बाय फोर, तो नाइन और फाइव हमारे पास फोर्टीन हो जाएंगे। तो इट मीन्स ये हो जाएगा थ्री मल्टीप्लाई फोर्टीन बाय फोर, ये दोनों ही टर्म टू से कैंसिल हो रही है। तो टू सेवन ज़ा फोर्टीन, टू टू ज़ा फोर, सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन बाई टू, तो इट मीन्स ट्वेंटी वन बाई टू विल बी आर थर्ड टर्म। ये थर्ड टर्म आ जाएगी ट्वेंटी वन बाय टू। सो लेट्स स्टार्ट ए फोर टर्म्स, यानी कि फोर टर्म कौन सी होगी, चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि इनके प्लेस पे हमें इस बार फोर रखना है, तो चलिए रख लेते हैं। ये फोर फोर स्क्वायर प्लस फाइव बाय फोर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फोर का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिक्सटीन प्लस फाइव बाय फोर, ठीक है। फोर से फोर कैंसिल हो गया, सिक्सटीन प्लस फाइव ट्वेंटी वन हो जाएंगे। तो हमारे पास फोर टर्म ट्वेंटी वन आ जाएगी। अब हम फाइंड करेंगे फिफ्थ टर्म एन के प्लेस पे। अब की बार हमने यहाँ पर फाइव पुट कर दिया, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव प्लस फाइव हमारे पास थर्टी हो जाएंगे, ठीक है। और फिर ये दोनों ही टर्म टू से कैंसिल हो रही हैं, टू टू ज़ा फोर, टू वन ज़ा टू, टू फाइव ज़ा टेन, तो फिफ्टीन बाय टू, फिफ्टीन की फाइव में करेंगे तो यानी कि सेवेंटी फाइव बाय टू, ये हमारी फिफ्थ टर्म आ जाएगी। यही हमसे पूछा था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में अनुक्रम के पांच पद लिखिए तथा संगत श्रेणी भी ज्ञात कीजिए। अब हमें अनुक्रम के पद तो लिखने हैं और उसके साथ साथ हमें श्रेणी भी निकालनी है कि श्रेणी क्या होगी। और मैंने बताया था श्रेणी क्या होती है, अनुक्रम का योगफल होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों, ए वन ए टू इक्वल्स टू टू दिया है, यानी कि आपके पास फर्स्ट टर्म ये क्या होती है, ए वन, ए वन होती है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपको टू गिवन है, इक्वल टू में सेकंड भी आपके पास टू है क्योंकि दोनों में इक्वल लगे हैं, तो सेकंड भी आपके पास टू है। अगर दोनों में इक्वल लगे हैं इसका मतलब होता है कि ए वन और ए टू दोनों ही टू हैं, ठीक है। यानी कि आपको सिर्फ ए थ्री, ए फोर और ए फाइव निकालना है फिफ्थ टर्म के लिए। थ्री टर्म्स और आपको निकालनी है। तो आपको गिवन है अनुक्रम ए एन इक्वल्स टू ए एन माइनस वन एंड माइनस वन, ये गिवन है, जिसमें एन ग्रेटर देन टू से रखना है आपको, यानी कि टू से बड़ी टर्म्स रखनी है। टू से बड़ी टर्म आप क्या रखेंगे, थ्री फोर फाइव, क्योंकि पांच पद निकालने हैं तो पांच तक रख लीजिए, दो तो आपको गिवन ही है इसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसमें थ्री पुट करेंगे, तो हमने इनके प्लेस पे थ्री रख दिया इस कंडीशन में जो हमें अनुक्रम गिवन है। तो ए थ्री इक्वल्स टू ए थ्री माइनस वन माइनस वन, यानी कि ए टू, थ्री में से वन माइनस किए, टू माइनस वन। जो ए टू आपको क्या गिवन है, ए टू आपको टू गिवन है, कितना गिवन है, टू, तो टू माइनस वन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। इट मीन्स ए थ्री आपके पास वन आ गया। सिमिलरली आप फाइंड करेंगे ए फोर, यानी कि अब अपने एन के प्लेस पे आपको फोर पुट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए थ्री माइनस वन, और थर्ड टर्म आपने अभी फाइंड की है जस्ट, जो कि है वन, तो वन माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ज़ीरो आ गया, यानी कि फोर्थ टर्म आपके पास ज़ीरो आ जाएगी। जो जो आपके पास टर्म्स आती जा रही हैं, ठीक है, वही आगे यूज़ होंगी। जैसे ए फाइव है तो ए फाइव माइनस वन माइनस वन, जब आपने इसमें पुट किया तो ए फोर, तो ए फोर जस्ट अभी आपने ऊपर निकाली थी, ज़ीरो आई है, तो ज़ीरो माइनस वन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इनमें रिलेशन बनता जा रहा है। तो अनुक्रम के पांच पद हो गए, ए वन टू, ए टू टू, ए थ्री वन, ए फोर ज़ीरो एंड ए फाइव माइनस वन। अब हमें क्या करना है, श्रेणी निकालनी है। श्रेणी क्या होती है, अनुक्रम के पदों का योगफल। तो पांच पद है तो पांचों पदों का योगफल कर देंगे, टू प्लस टू प्लस वन प्लस ज़ीरो माइनस वन। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि हमने इन्हें प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें सिर्फ श्रेणी बतानी थी, उसका योगफल ज्ञात नहीं करना है। तो यहीं तक आप इसे देंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।